दोस्तों आज हम बता रहे हैं कि रिचार्ज कैसे किया जाता है। सबसे पहले डिपॉजिट में क्लिक करेंगे। डिपॉजिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे पेटीएम एक्स क्यूआर दिखा रहा है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे चौथे नंबर पर डी पे दिखा रहा है, डी पे क्लिक करेंगे। डी पे क्लिक करने के बाद फिर नीचे जाएंगे, यहाँ से जितना भी अमाउंट सेलेक्ट करना होगा वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मान लीजिए मैं 100 रुपया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे रेड कलर वाले पे। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ जो क्यूआर कोड दिखा रहा है इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे। स्क्रीनशॉट मारने के बाद हम यहाँ से बीच से कट कर देंगे। बीच से कट करने के बाद फोन पे या गूगल पे में कहीं पे जाएंगे, वहाँ से हम ये क्यूआर कोड ओपन करेंगे। वहाँ से गैलरी में जाकर, वहाँ से गैलरी में जाने के बाद यहाँ से क्यूआर कोड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पैसा दिखा रहा है। यहाँ से जब आप प्रोसीड टू पे करेंगे उसके बाद यहाँ पे बैंक दिखाएगा, यहाँ पे हम पे कर देंगे। पे करने के बाद यहाँ पे जो आपका यूपीआई पिन होगा उसे यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से पैसा कट जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पे यहाँ पर दिखा रहा है जो नीचे यूटीआर नंबर, यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ फिर बीच से कट कर देंगे। बीच से कट करने के बाद फिर हम अपने एप्लीकेशन पर जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिख रहा है सबमिट UTR ना, तो यहाँ पे सबमिट UTR पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो UTR नंबर हम पेस्ट किए थे यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं काइंडली वेट फॉर द पेमेंट रिजल्ट लिख रहा है ना, यहाँ पे जब तक यहाँ पे कंफर्म ना लिखे तब तक आप वेट करते रहिए। ऐसे इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आपका रिचार्ज कभी भी नहीं फंसेगा। थैंक यू, धन्यवाद।